रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं जकी फैमिली में। और आज है जी हमारे घर में दावत, दावत का एहतमाम किया गया है और सुबह सुबह सफाइयां सारी शुरू हैं। ये देखें सफाइयां जो है ना वो तकरीबन रात की में लगी हुई थी, कुछ रात को की कुछ सुबह की, और अभी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। सारी सफाइयाँ जो है करेंगे इंशाल्लाह उसके बाद दावत। इसी खुशी में कि हम लोग उम्रा करके आए हैं, तो उससे पहले नहीं आए थे। ये भी आपने देखा होगा कि हम लोग जब उम्रा करने गए थे ना, मैं सबके घरों में मिलके गई थी और वो लोग नहीं आए थे। वो कहते थे कि जब आप उम्रा करके आओगी तो फिर हम लोग आएंगे। तो आज है जी सारे हमारे रिश्तेदारों की दावत, उनको दावत पे इनवाइट किया है हमने और खूब हल्ला गुल्ला इंशाल्लाह होगा। तो अभी हम तैयारियाँ कर रहे हैं, तैयारियाँ चल रही हैं। और ये बेडशीट वगैरह मैंने डाल ली है, न्यू डाली है, ये पहली दफ़ा मैंने डाली है स्किन कलर। ये आपको कैसा लग रहा है? लाइट एक हमारी कमरे की ख़राब है, वो भी इंशाल्लाह मंगवा कर लगाते हैं। एक लाइट से ना धीमा धीमा नज़र आ रहा है, आपको सही नज़र नहीं आ रहा हो, तो इंशाल्लाह लाइट भी मंगवाते हैं और थोड़ी सी रोशनी तेज़ हो जाएगी। तो जितना हाँ लाइट ले आया जकी भाई, ये देखें लगाओ, उधर लगा दो, वो वहाँ से ना वो होल्डर खाली है, वहाँ हम लाइट लगाते हैं। वो जकी भाई लेके आ गए लाइट, ठीक है। धीमी धीमी रोशनी है, मुझे खुद बड़ी उलझन हो रही है। तो जी आज है दावत का एहतमाम, तो इंशाल्लाह जी आपसे शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बहुत सारे काम है, आपको पता है जब मेहमान घर में आने हूँ तो बहुत सारे काम जो हैं वो होते हैं। तो जी हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत मगे थे तो उन्होंने यानी कि हमें कपड़े दिए थे, जकीर मान को भी और मुझे भी दिए थे। तो आज इंशाल्लाह यही कोई सीन हमारा भी है, उनको कुछ गिफ्ट देंगे। सबसे बड़ा गिफ्ट तो अल्लाह के घर का खजूर और पानी होता है, तो वो भी उनको इंशाल्लाह देंगे साथ साथ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह रात को हम लोग घर पहुंच गए थे, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारी ना रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। जब भी हम इंतज़ार करने लगे, इतनी देर इंतज़ार किया, तकरीबन डेढ़ घंटा हम इंतज़ार करते रहे कि कोई हमें मकैनिक मिल जाए तो हम अपनी गाड़ी जो है वो ठीक करा लें। लेकिन हुई बुरी जगह पे ख़राब थी कि जहाँ कोई मकैनिक नहीं मिल रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से खैर लाला करके हमने मकैनिक ढूंढा, उसके बाद जो है हम गाड़ी ठीक कराने, उसने कहा है वर्कशॉप पे ले आए गाड़ी जो है, ये वर्कशॉप पे जाके ठीक होगी, ऐसे ठीक नहीं होगी। और वर्कशॉप पे भाई चले गए, फिर एक भाई मेरे साथ घर आ गए और दूसरे भाई गाड़ी ले कर तो वर्कशॉप पर चले गए ड्राइवर के साथ। और रात को 11 बजे वो गाड़ी ठीक करा के तो घर ले गए। इतनी टेंशन, घर में खाना तैयार किया हुआ था, मेरा हाथ ठंडा हो गया। रात को सही बात है इतनी टेंशन हमें बन गई ना, बड़ी बदमजगी पैदा हुई थी। हम जब घर आए तो हमने वीडियो बनानी थी, बकायदा आपको बताना था, आपसे शेयर करना था कि किस तरह हमारा घर में इस्तकबाल हुआ है। और मैं घर आ गई, जकीर मान मामू के साथ रहा गाड़ी ठीक करवाने के लिए वर्कशॉप पे, और इस तरह बड़ी बदमजगी पैदा हो गई। घर वाले खूब तैयारी करके बैठे हुए थे और वो भी बेचारे देख के परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, गाड़ी ख़राब हो गई। तो सारा मामला भी जो है मंजूर हो वैसे ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से घर पहुँच गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन दिल हमारा वहाँ ही है, आंखें वहाँ ही हैं, तो वो अभी ना दिलो दिमाग से ये चीज़ निकल ही नहीं रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे बस उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं। अभी हम हमारी बैंक में पैसे डाल रहे हैं, कैसे अभी न्यू आए हैं, न्यू बनी बैंक है। और इसको बाइक कैसे निकालती हैं? ये 0-0 का, ये नहीं खुला, इसको ये वाला चीज़ है, इसको ऐसे घुमाना है, ये खरीदना। आपको मैंने बताया था कि हमारे घर में दावत है, तो बस ना दावत में सारा दिन लगी रही हूँ, मैं वीडियो भी नहीं बना पाई इस वजह से कि मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी। घर में तो खाना नहीं मैंने तैयार किया था, खाना तो बाहर से हमने तैयार करवाया है, लेकिन फिर भी मेहमान माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे, उनको खाना तकसीम करना। तो देखें जी किचन को नीट किया, ये बर्तन है और ये रहे, ये सारे धो के ना मैंने इधर लाइन में लगा दिए, सुबह तक खुश्क हो जाएंगे। फिर जी कल तो दावत थी, सारा दिन टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का और ना ही सही तरीके से बना पाए हैं। और आज है दूसरा दिन, यानी दावत से अगला दिन। तो दोपहर का खाना बच्चों को खिलाया है और अभी मैं फारग हुई हूँ, तो मैंने सोचा है कि जल्दी जल्दी से ना जिनके घरों में खजूरें देनी है उनके घरों में खजूरें दे हैं। ये खजूर पानी मैंने पैक की है, ये देखिए पैकेट बना ली है। ये असल में जिस क्लास में हम लोग जाते हैं ना, तो उसकी जो क्लास की स्टूडेंट है ना, उनको देनी है 2-3 घरों में, दो घरों में पहले मैं भेज चुकी हूँ और अभी ये मैं खुद देने जा रही हूँ। ये बाजी के लिए तोहफा पैक किया है खजूरों का और पानी का, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं दो वो रह गई थी, उनके घरों में जाके अभी दे के आती हूँ। तो अभी चलते हैं उनके घर, खजूर पानी का तोहफा दे के आते हैं। बच्चों की मौजें लगी हुई हैं पार्क में,
जी बाजी की तरफ मैंने खजूरें दे ली हैं और अब चलते हैं जो क्लास की हमारी दो औरतें हैं उनके घर जा रही हैं। तो ये सामने गली में उनका घर है और उधर चलते हैं उनको भी खजूरें दे के आते हैं। जी खजूरें मैंने दे ली हैं सब, दो तीन घरों में जो देनी थी वो दे के आ गए और अभी चलते हैं घर की तरफ जो गुड्डे के पीछे भागे जा रहे हैं बच्चे। मेरे वो रहा गुड्डा, वो देखिए नीचे आ रहा है और बच्चे जो है ना भागते जा रहे हैं गुड्डा पकड़ने के लिए। और हाँ एक और बात जो ज़रूरी आपसे करनी थी कि हम जो जब उम्र पे गए थे तो हम क्या चीज़ें लेकर गए थे जो हमारे काम की थी और क्या चीज़ें जो हमारे काम की नहीं थी और क्या चीज़ें जो वहाँ जाके हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमारे पास नहीं थी। ये इंशाल्लाह डिटेल से इस पे वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जाना चाहिए, तो वो पूरा पैकेज इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, मुकम्मल वीडियो बनाएंगे इस पे। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और जो भी बहन भाई हमारा उम्र पे हज पे जाना चाहता है तो उसको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें, उसको क्या क्या सामान ज़रूरी जो उसको साथ लेके जाना चाहिए वो इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपसे वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना। खजूर पानी का तोहफा मैं दे आई थी बाजी के घर में और दोस्तों के घर भी। तो और जी एक शादी आ गई है उम्र से आते ही, लेकिन थकावट जो है ना वो दूर नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। तो शादी एक आ गई है, आज करनी है उसकी हमने तैयारी। तो इंशाल्लाह शादी पे भी जाना है, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे शादी किसकी है। तो अभी फ़िलहाल तो ये छोटा सा व्लॉग हमने जो बनाया है इसको हमने अपलोड करना है, इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपने बताना है आपको हमारा व्लॉग कैसे लगा। असल में जब दावत ही दावत का सारा मामला जो था ना वो इसी तरह ही, बस ना मेहमान माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे और बस मेहमानों के ध्यान लगे रही, मैं वीडियो नहीं बना पाई। दूसरा ये है कि वीडियो किस चीज़ की बनानी थी, बस खाने की हद तक मैं दिखा सकती थी आपको, बाकी तो कैमरे में आते नहीं है कोई भी, कोई कैमरे में आना पसंद नहीं करता, तो मैं किसी की वीडियो नहीं बनाना चाहती। इस वजह से फिर मैंने कोई ज़्यादा वीडियो पे तवज्जो नहीं दी, इस वजह से नहीं बना पाई। खैर मेहमान तो सारे हमारे चले गए थे, बाकी वो जो किचन का सामान था वो आपको मैंने दिखा दिया है, यानी कि बर्तन वगैरह धो के सारे रखे हुए थे। और यहाँ पे एंड करते हैं, छोटा सा व्लॉग है, अभी काफ़ी ज़्यादा काम है, यानी कि जैसा आपको पता है कि एक माह तक बंदा घर से बाहर रहे तो फिर घर में आकर कितने सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम है करने वाले, कुछ किए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा किए भी हैं। दो दिन तो मैं मशीन यानी कि लगा के कपड़े धोती रही हूँ और कपड़े प्रेस किए हैं सारे, बच्चों के समेटे हैं और आज है जी शादी, शादी की भी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे आपसे शेयर करेंगे। और इस व्लॉग को हम यहाँ फैन करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।